हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डी टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल बाटी। बरसात का मौसम है, दाल बाटी ना खाएं ऐसा हो नहीं सकता, तो हम इस मौसम में बना रहे हैं बाटी। इसके लिए लिया है हमने आटा, 4 कप लिया है आटा, क्योंकि मैं 5-6 लोगों के लिए बना रही हूँ। 1 चम्मच नमक और 1/4 कप लिया है मैंने घी, 1/2 कप ली है मैंने सूजी, घी को मैंने मेल्ट कर लिया है, और पानी। इसको हम सबको ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले मिक्स करेंगे। आटा हमने बाउल में डाल दिया है, अब हम डाल रहे हैं सूजी, इसके बाद नमक, इसके बाद घी, और इनको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें ये टाइट आटा लगाना है। इसी मेजरमेंट से आप बनाएंगे तो बाटी बहुत खस्ता बनेंगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। इसी टाइट तरीके से हम टाइट आटा लगाएंगे। इसका देख रहे हैं ना आप कितना टाइट है, ऐसे लगाना है टाइट। और थोड़ा ये हमने मोटा आटा लिया है। हमने स्लैब को साफ करके अच्छे से इसमें थोड़ा सा घी लगाया है, और ये देखिए आपको मैं हाथ लगा के दिखाऊं कितना टाइट आटा है। इस तरह का आटा हमको तैयार करना है, और मोटा आटा हमने लिया है तो इससे क्या है ये खस्ता बनती है। अब हम इसको ढककर रख देंगे थोड़ी देर के लिए, तब तक हम दाल की तैयारी करते हैं। ये देखिए हम इसके लिए मिक्स दाल बनाएंगे। आप देख सकते हैं ये ली है हमने 1/2 कप तुअर दाल, जो अरहर की दाल भी बोलते हैं, 1/4 कप ये लाल मसूर ली है, 1/4 कप ही हमने ये छिलका मूंग दाल ली है, और 2 टेबलस्पून हमने ये धुली मूंग दाल ली है, ये आप देख सकते हैं, और 2.5 टेबलस्पून हमने चना दाल ली है। इन सबको मिलाकर अच्छे से धोकर थोड़ा सा हल्दी और नमक डालकर हम कुकर में चढ़ाते हैं। ये देखिए दाल को हमने धोकर इसमें कुकर में रख दिया है, और इसमें डाल रहे हैं हम 1 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच हल्दी। अब इसको हम पकाएंगे, प्रेशर कुक करेंगे, बंद करेंगे। जब तक हमारी दाल बॉईल हो रही है, हमने तड़के का सामान तैयार कर लिया है। ये लिया है हमने 3 टेबलस्पून घी, 3 टमाटर बारीक काट लिया है, 1/4 टीस्पून हमने लिया है हींग पाउडर, 1 चम्मच जीरा, थोड़ा कटा हुआ धनिया, 1 हरी मिर्च को बारीक चॉप कर लिया है, 2.5 बड़े प्याज हमने 2.5 प्याज को बारीक चॉप कर लिया है, और 10 से 12 लहसुन की कलियां हैं, 1.5-2 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट कर लिया है, रेड चिली पाउडर है, और जो भी हम मसाले हम डालते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। घी गर्म होने देते हैं अभी। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच जीरा, जीरा तड़कने देते हैं। देखिए जीरा भुन गया है, अब हम डाल रहे हैं इसमें हींग डाल दिया है, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, और इसमें अब हम डालेंगे कटा हुआ लहसुन, और इसको भी हम ब्राउन करेंगे, चलाते हुए इसको ब्राउन करेंगे ताकि इसकी खुशबू अच्छी आए। और दाल में जब भी तड़का लगाते हैं तो प्याज और जो लहसुन है उसको अच्छा सा ब्राउन करते हैं। तो आप देख रहे हैं हम इसको अच्छे से भून रहे हैं,
अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। ये देखिए लहसुन ब्राउन होना शुरू हो गया है, दिख रहा है ना आपको कलर इसका चेंज हो रहा है। यस, अब हमने डाल दी है इसमें कटी हुई हरी मिर्च, आप कम ज्यादा इसको कर सकते हैं। अब हमने डाल दी है इसमें कटी हुई प्याज, बारीक कटी प्याज डालनी है। लहसुन का कलर अच्छा भुना हुआ हो गया है तब हमने डाली है, और अब इसको मिक्स करते हुए इसको भी हम ब्राउन करेंगे। जितना अच्छा तड़का भुना होगा उतना अच्छा लगेगा। देखिए ब्राउन हो गया है ना, अब हमने इसमें डाल दिया है कटा हुआ टमाटर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और टमाटर जल्दी गल जाए उसके लिए हम डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक, और ये डाला है हमने ग्रेटेड अदरक। ये भैया अदरक जो है टमाटर के साथ डालते हैं, ये कहते हैं कि इसकी खुशबू इसमें अच्छी रहती है, जबकि हम कभी कभी प्याज के साथ डालते हैं, तो ये एक टिप है इन भैया की। और ये अब डाला है हमने नमक कि टमाटर जल्दी से गल जाए। तो नमक आप देखकर डालिएगा क्योंकि हमने दाल बॉईल करते हुए भी नमक डाला हुआ है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करिएगा। और ढककर इसको पकाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ये टमाटर जो है सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं, अच्छे से गल गए हैं। इसको हम मैश करते रहेंगे इस तरीके से। जितना अच्छा मसाला भुना होगा ना उतना टेस्टी बनेगा। दोबारा से ढकते हैं थोड़ी देर के लिए, और ये देखिए बहुत बढ़िया मसाला बनकर तैयार है। अब हम इसमें इसको चलाकर उबली हुई थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप कलर के लिए डाल सकते हैं कश्मीरी मिर्च, आप चाहें तो देगी मिर्च डाल सकते हैं। और इन्होंने कोई गरम मसाला वगैरह नहीं डाला है ये भैया ने। अब ये देखिए दाल हमारी कुकर खोल के देख रहे हैं कितने अच्छे से उबल गई है, परफेक्ट। देखिए कंसिस्टेंसी देख रहे हैं ना हम दाल की। अब वो हम इस छौंक में डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। लग रही है ना बढ़िया। अगर आपकी दाल थोड़ी गाढ़ी हो जाती है तो आप इस समय बॉइल्ड वाटर ऐड कर सकते हैं, जैसे आप खाना चाहें। यानी आप अगर गाढ़ी पसंद करते हैं तो गाढ़ी रखिए, अगर आप पतली पसंद करते हैं तो थोड़ा पानी डाल दीजिए। कंसिस्टेंसी अपने अकॉर्डिंग आप सेट कीजिए। और ये देखिए बॉयल आना शुरू हो गया है, हमने डाल दिया है कटा हुआ हरा धनिया, क्योंकि अगर कटा हुआ हरा धनिया नहीं डालेंगे तो दाल में वो बात नहीं आएगी, तो ये भी बहुत ज़रूरी है गार्निशिंग के लिए। और हमारी दाल तैयार। अब हम डाल देते हैं इसमें नींबू का रस, ये भी आप ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ करें, नहीं तो जब सर्व करें उसके साथ नींबू दे दीजिए। तो अब हमारा ये आटा रखा है, काफ़ी देर रखे हुए हो गई है इसको, इसकी हम लोइयाँ तोड़ लेंगे। इक्कीस के करीब हमने लोइयाँ तोड़ के इनको इस तरह से गोल करना शुरू कर दिया है। देखिए टोटल आटे में से 21 बनी है, और ये हाथों से इस तरीके से हम इनको गोल करेंगे, ऐसे देख रहे हैं ना आप, इसी तरह से हम सारी लोइयाँ बना लेंगे। अब हम इनको अवन में बेक कर रहे हैं, तो हमने 200 डिग्री सेल्सियस पर कर लिया है इसको, प्री हीट कर लिया है अवन को, और एक एक करके ये बाटी इसमें रख रहे हैं। बाटी रखने के बाद हम इसको बंद कर देंगे, अवन को बंद कर देंगे। अब देख रहे हैं ना आप, सिक रही हैं, दिखाई दे रही हैं। 20-25 मिनट हो गए हैं, अब ओवन को खोलकर हम इनको चेक कर लेते हैं। कुछ बाटियां नीचे से सिक गई हैं, हम इनको पलट लेंगे, उलट पलट कर हमें इन्हें सेकना है। अब हम वापस ओवन को खोलकर चेक कर लेते हैं। यस, काफ़ी बाटियां सिक गई हैं, जो सिक गई हैं उनको हम निकाल लेते हैं। बाटी गरम है, इसको हम ऐसे तोड़ लेंगे, और ये देखिए दानेदार हिली हुई लग रही है ना बढ़िया। ये देखिए एक और तोड़ कर दिखाते हैं, और ये स्लैब पर आप तोड़िए क्योंकि गरम होती है, तो स्लैब साफ कीजिए और इसको तोड़ लीजिए।
और डायरेक्ट आप घी में डाल दीजिए। भाई बाटी है तो घी तो चाहिए, है ना, घी में डालकर फिर हम निकाल लेंगे। अगर आप कम घी खाते हैं तो आप जरा सा घी ऊपर से डालकर खा लीजिए, चॉइस इज योर्स। अब हम इसको सर्व करते हैं थाली में। आप बाटी गैस तंदूर में बना सकते हैं, आप बाटी जाली पर गैस पे सेक सकते हैं, मैंने अवन में बनाकर दिखाई है, कुछ लोग कुकर में भी बनाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं ये पूरी थाली, दाल है, दही है, प्याज है, नींबू है, मिर्च का अचार है, हरी चटनी है, और ये देखिए बाटी क्या अंदर तक घी भरा हुआ है, छाछ है, जो सब कुछ होना चाहिए, चूरमा है। देखिए मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि चूरमा मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा रही हूँ, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो गई है, तो आप ये नेक्स्ट ट्यूसडे में चूरमे की रेसिपी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thank you.